दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब गर्ल स्टडी चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में हम अर्थमेटिक एबिलिटी के पहले चैप्टर करने वाले, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क दोस्तों एक ऐसा चैप्टर है जो आपका बहुत कम नाम तो है इसका टाइम एंड वर्क, बट ये आपका बहुत कम टाइम रहता है आपके एग्जाम में इस तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है ये, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी आरआरबी जेई और एनटीपीसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे इजी सवाल आपको पूछे जाएंगे जो कि आप बहुत अच्छे से बना लोगे, और ये इजी तब होगी दोस्तों जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क की आपकी एक भी सवाल नहीं छूटेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने टाइप वन। ठीक है, ये हमारे आरआरबी जेई एनटीपीसी और अन्य एग्जाम, बाकी सारे जितने भी चैप्टर जितने भी एग्जाम में टाइम एंड वर्क से सवाल पूछे जाते हैं वो आपकी इस वीडियो से बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा यह है क्लास वन। तो चलिए जल्दी से जल्दी आप वीडियो को पहले लाइक कर लीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट दूर बैठे हुए हैं उनको भी इसकी फायदा हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए टाइम एंड वर्क अब हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो चलिए दोस्तों नजर डालिए इस क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये हमारा लेवल वन क्वेश्चन। देखिए हम क्वेश्चन की जो लेवलिंग करेंगे ये इस आधार पे करेंगे कि टफनेस की ये लेवल रहेगी। जो हमने यहाँ पे लेवल वन लिखा दोस्तों, ये लेवल आपका दर्शाता है किस चीज के लिए, आपका टफनेस के लिए दर्शाता है। ठीक है, टफनेस यानी कि कितने प्रकार के कितने टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा लेवल वन है दोस्तों, ये थोड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। पहला हमारा क्वेश्चन है, हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो देखिए, राम एंड मोहन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डे एंड 20 डे रेस्पेक्टिवली, इन हाउ मेनी डे दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो देखिए दोस्तों, हिंदी में मैं आप सभी को इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप सभी को हिंदी में ये क्वेश्चन चाहिए तो। ठीक है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों एडिट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो देखिए, राम एंड मोहन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डे एंड 20 डे। राम और मोहन जो है वो किसी कार्य को 30 दिन और 20 दिन में खत्म करता है इंडिविजुअली। यानी कि राम कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। मोहन कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। ठीक है, आपको इस सवाल में पूछा जाता है अगर ये दोनों मिल के काम करें तो कितने दिनों में ये काम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जब आपको दिए जाए तो हम इस सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स से करेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स से करेंगे। देखिए मैं किसी तरह का बेसिक कंसेप्ट आपको नहीं बताने वाला दोस्तों, क्योंकि आप सब पढ़ चुके हैं बेसिक कंसेप्ट। अब बस हम इस पर बात करेंगे क्वेश्चन हमें कितना जल्दी और कैसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या कहा जा रहा है, राम और मोहन देखिए 30 दिन में काम करता है, 20 दिन में काम करता है। तो जब इसको आपको इस तरह के क्वेश्चन दी जाएगी तो आप यहाँ पे लिख लीजिए राम। ठीक है, और यहाँ पे लिख लीजिए मोहन। आपको क्या बताया जा रहा है, राम जो है वो कितने दिन में काम, देखिए राम कितने 30 दिन में काम करता है, मोहन कितने दिन में करता है, 20 दिन में काम करता है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, जब आपको दोनों की काम दी जाती है तो आप इसकी और जो टोटल वर्क आपको निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की आपको क्या करनी है, एलसीएम ले लेनी है। क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, जो टोटल वर्क निकालनी है, देखिए आपको यहाँ में बस डेज पते हैं, दिने पते हैं, लेकिन काम कितनी है वो नहीं पता है। तो ये दोनों की जो टाइम डेज दिए गए हैं, डेज तो आपके टाइम है ना दोस्तों, तो इसके आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 30 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 60 हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसकी एलिगेशन टाइप से लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए राम जो है 30 दिन में काम करता है और ये टोटल काम कितना है, 60 है। तो हम अगर जो इसको करेंगे यार कि एक दिन में कितना करेगा दोस्तों, ये एक दिन में करेगा कितना, 2 काम करेगा। और ये जो मोहन है ये एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में ये करेगा दोस्तों 3 काम। तो ये इसकी एफिशिएंसी की रेशियो निकल जाती है कि राम दो इसका काम और जो राम 2 दिनों, मतलब इसकी एफिशिएंसी ये 2 निकल जाती है और मोहन की एफिशिएंसी 3 निकल जाती है। तो इसी तरह से दोस्तों अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आगे की तरफ प्रोसीड करना है। अब देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपकी एफिशिएंसी तो निकल करके आ गई 2 और 3। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है, इन हाउ मेनी डे दे टुगेदर द कंप्लीट द वर्क, यानी कि एक साथ दोनों कितने दिनों में काम कर लेंगे। तो आपको दोस्तों टोटल वर्क यहाँ पे मिला हुआ, ये आपका क्या है, ये आपका टोटल वर्क है, जो एलसीएम निकाल के मिलता है ये आपका टोटल वर्क होता है। तो आपको अब क्या निकालनी, टोटल वर्क आपकी कितने दिनों में खत्म होगी। तो डेज जब आपको निकालना रहता है दोस्तों, तो आप टोटल वर्क लिखते हैं। ठीक है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क अपन एफिशिएंसी। तो देखिए इसमें एफिशिएंसी यानी कि दे टुगेदर का बात कर रहा है, यानी कि दोनों एक साथ कितने दिनों में काम कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे टोटल वर्क कितनी निकली है, 60 निकली गई है, और आपकी टोटल टाइम यानी कि दोनों का
प्लस कर देंगे, ये दो, इसकी एफिशिएंसी 2 है, इसकी एफिशिएंसी 3 है, तो दोनों की एफिशिएंसी टुगेदर का बात किया जा रहा है, इसलिए दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो दोस्तों जो टोटल काम होगी वो कितने दिन में खत्म होगी, दोनों मिलकर करेंगे तो 12 दिनों में सारे काम को खत्म कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए और आसान होते जाएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे आपका सब क्लियर होते जाएगा। तो देखिए दोस्तों आइए अपने देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सवाल है ये। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे अब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा टाइम एंड वर्क का दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने पहले 2 वेरिएबल लिए थे, इसमें हम 3 वेरिएबल ले रहे हैं, यानी कि ए बी एंड सी। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बी एंड सी कैन कम्प्लीट ए वर्क इन 12 दिन 15 दिन एंड 20 दिन, इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कम्प्लीट देयर वर्क। यानी कि आपको सवाल में पूछा जा रहा है कि कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है, ये तीनों की यहाँ पे काम करने की एफिशिएंसी दी गई है कि 12 दिन में काम करता है, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 20 दिन में। तो आपको पूछा जा रहा है कि अगर ये तीनों एक साथ काम करेंगे, देखिए टुगेदर पूछा जा रहा है, और ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। तो जिसके आप सभी को पता है कि 1 से भले 2, आपको पता है 2 से भले 3, तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे ये काम करता है। यानी कि दो आदमी, एक आदमी काम करता है तो उसको ज़्यादा दिन लगेंगे, दो आदमी काम करेंगे तो उसको कम दिन लगेगा, तीन आदमी काम करेंगे तो और भी कम दिन लगेगा उसी काम को। तो देखिए इस सवाल में आपको क्या पूछा जा रहा है, हमने आपको क्या बताया कि जब वेरिएबल दिए रहेंगे तो आप सामने सामने बस लिख लीजिएगा सारे वेरिएबल को, ठीक है इस तरह से। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको इसकी एलसीएम ले लेनी है। क्या करनी है, एलसीएम ले लेनी है। तो आपको एलसीएम लेने की शॉर्ट ट्रिक पता होगा दोस्तों कि हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, तो बड़ा नंबर 20 है। अब देखिए 20 से ये कटता नहीं है, ये भी नहीं कटता है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसकी मल्टीपल लेंगे, 20 की मल्टीपल, 20 का मल्टीपल में दूसरा क्या आएगा, 40 आएगा। तो देखिए 40 से ये सब नहीं कट रही है तो इसकी और मल्टीपल लेंगे, तो इसकी मल्टीपल हम लेंगे तो 60 आ जाएगा। अब 60 आप देखेंगे 12 से भी कटती है, 15 से भी कटती है, तो इसलिए हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हमने 60 यहाँ पे एलसीएम ले ली है दोस्तों। तो ये सारे शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो मैं आपको अलग से दे दूंगा। तो देखिए अब आपको क्या करनी है, ये आपके पास ये जो 60 निकला दोस्तों, ये आपका क्या है, ये टोटल वर्क है, ठीक है टोटल वर्क। यानी कि टोटल वर्क आपको इस सवाल में नहीं दिया गया, आपको जो एलसीएम निकालते हैं सारे दिनों की एलसीएम निकालते हैं, तो टोटल वर्क आपके पास ये बन जाता है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखें, जब भी आपको टोटल वर्क निकालना होगा तो आप एलसीएम लेंगे। तो टोटल वर्क आपके पास 60 आ गई है, अब आपको क्या करनी है, सारी की एफिशिएंसी निकालनी है कि वो कितना तेजी से काम कर पाता है। तो देखिए 12 है, 12 दिन में 60 काम करेगा, ठीक है 12 दिन में 60 काम करना है तो उसको कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो इसकी जब हम करेंगे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे 5 आएगा और 15 से इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। 20 कितने बार में जाएगा, तो दोस्तों 20 3 बार में जाएगा। तो ये आपकी एफिशिएंसी निकल के आ गई, इसकी एफिशिएंसी ये, इसकी एफिशिएंसी ये, इसकी एफिशिएंसी ये, तो ये आपके पास टोटल आ गया। अब आपको क्या करना है, हमने आपको बताया कि आपको इस तरह की सवाल में आपको क्या करना पड़ता है, आपको इसकी उत्तर निकाल ली है, तो आपको क्या निकालना है, इन हाउ मच दे कम्प्लीट टुगेदर द वर्क। यानी कि ये सारे एक साथ काम करेंगे तो कितने दिनों में काम कर लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दे टुगेदर कंप्लीट वर्क। देखिए एफिशिएंसी आपकी यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना है, 60 है, ये हमारा टोटल वर्क, यानी कि टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 60 वर्क हो गया, और ये तीनों मिलकर के करा। अगर जो आपको पूछा जाता है कि ए और बी कितने दिन में करते हैं, तो बस ये दोनों को ऐड करते हैं। आपको पूछा जा रहा है तीनों के बारे में टुगेदर, तो तीनों को ऐड कर लीजिए, तो 5 + 4 + 3 कितना होता है दोस्तों, ये आपके पास आ जाता है 12। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12, इसको हम काटेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60। तो दोस्तों 5 दिनों में ये तीनों मिलकर के इस टोटल वर्क को कर लेंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आइए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस सवाल पे आप ध्यान दीजिए, ये हमारा तीसरा नंबर सवाल, इसको हम आप टाइप 2 भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए मैन कैन डू ए वर्क इन 2 आवर। कोई इंसान है जो किसी काम को 2 घंटे में करता है, और बी जो है वो देखिए बी डू द 3 टाइम ऑफ दिस वर्क इन 8 आवर। यानी कि जो काम है उसके 3 गुना काम को बी 8 घंटे में करता है, और सी कितने में करता है, सी 8 घंटे में करता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें समझना, इसलिए मैंने इसको टाइप 2 पे डाला है। तो देखिए ए जो है ये ए जो है ये किसी काम को 2 घंटे में करता है, बी उसके 3 गुना काम को 8 घंटे में करता है,
और सी 8 घंटे में करता है, तो आपको क्या पूछा है? और जो ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो काम कितना जल्दी खत्म होगा और कितने दिन लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे इस काम को करने के लिए? तो देखिए आपको क्या करना होता है, अभी देखिए ये 3 टर्म जितने टाइम है उसके बारे में आपको नहीं सोचना है, बस जितने टाइम है उसके आप एलसीएम लेंगे तो ही आपकी टोटल वर्क निकलेगी, आपको पता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 आवर, यहाँ पे देखिए 8 आवर, यहाँ पे 8 आवर, तो यानी कि दो ये ए की हो गई, बी की और सी की, 2, 8 और 8, ठीक है। इसकी आप क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेते हैं तो आपकी एलसीएम क्या देती है आपको, टोटल वर्क देती है। तो टोटल वर्क आपके पास कितना आ जाएगा, टोटल वर्क 8 आ जाएगा, इसकी एलसीएम लेके देखिए आपके पास 8 ही आएगा। तो देखिए आपकी ये आ गई आपके पास, ठीक है। अब एक चीज पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एफिशियंसी किस तरह से आप निकालेंगे उस पर आप ध्यान दीजिए। तो देखिए टोटल वर्क आपके पास 8 आ गए, अब आपको क्या करना है एफिशिएंसी निकालेंगे तो ही आप निकालेंगे ना कि तीनों की कितने देर में काम करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे देखा कि आपको क्या निकालनी है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि आपको ए प्लस बी प्लस सी की निकालनी है कितने दिनों में कर पाएंगे। तो एफिशिएंसी आपको निकालना होता है, तो देखिए यहाँ पे 2 से यहाँ पे इसको करेंगे तो ये 4 आ जाएगी, 8 को 8 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। बट ध्यान दीजिए एक बार, मैंने बट क्यों कहा, क्योंकि देखिए इस सवाल में आपको कहा जा रहा है कि बी टू द 3 टाइम ऑफ दिस वर्क, यानी कि इसके 3 गुना काम कर रहा है, यानी कि 1 गुना का वैल्यू तो दोस्तों 1 आ गया, अब 3 गुना यहाँ पे जब कहा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ये शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, यही सबसे छोटा सा ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बाकी सारे बहुत सारे मेथड सीखे होंगे बट यही ट्रिक सबसे बेहतर है आपके लिए, ठीक है। यानी कि आपको सवाल में कहा जाए 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जितने टाइम कहा जाए, आप पहले इसकी एफिशिएंसी निकाल लीजिएगा इसके साथ टोटल वर्क और इसके डे टाइम के साथ, जो एफिशिएंसी आएगी और जितने टाइम कहा जाएगा उसके साथ उसको मल्टीप्लाई आप कर देंगे, ठीक है। और इसके जब आप एफिशिएंसी निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 1 आएगा। तो दोस्तों जो टोटल एफिशिएंसी जो आई आपके पास कितना आ गई, 4 आ गई, प्लस ये कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी, प्लस ये कितना, अब आपके पास टोटल एफिशिएंसी कितना आ गई, 8 आ गई। तो आपको क्या करना होता है, आपको निकालना है कितने दिनों में तीनों काम कर लेंगे। तो टोटल वर्क देखिए क्या कितना है, टोटल वर्क है 8 और टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 8, तो बचा कितना, 1, यानी कि 1 घंटे में ये तीनों मिलकर के ये 8 काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका 1 आवर हो गया। समझ में आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर जो नहीं समझ में आया है तो आप इसको कमेंट करके आप हमें बताइए, आपको दोबारा समझाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए टोटल वर्क आपके पास कितना है, टोटल वर्क आपके पास 8 है, तो आपको इस सवाल में एफिशिएंसी निकालनी है। आपको क्या निकालनी है, आपको कहा जा रहा है तीनों कितने जल्दी काम को समाप्त कर लेंगे। तो तीनों की जब हम बात करते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर के कितने दिनों में काम कर देंगे, ये आपको इस सवाल में पूछा गया है। तो देखिए टोटल वर्क आपके पास निकल गया 8, ठीक है। अब आपको एफिशिएंसी निकालनी, इसे डिवाइड कर देनी, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इससे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, लेकिन इसकी एफिशिएंसी 1 नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी दोस्तों, क्योंकि देखिए बी की आप बात करेंगे तो बी डू द 3 टाइम ऑफ दिस वर्क इन 8 आवर, कितने टाइम कहा जा रहा है, 3 टाइम ऑफ दिस वर्क इन 8 आवर। वो जो 1 टाइम की बात कर रहे हैं, यानी कि देखिए हम यहाँ पे जो वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे 1 टाइम की ले रहे हैं, 3 टाइम का आपको सवाल में पूछा जा रहा है। तो 1 टाइम की जब आप इसकी एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो आपके पास 1 आ रहा है, कितने टाइम कहा गया, 3 टाइम कहा गया, तो आप इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का यही एक एकमात्र सबसे छोटा ट्रिक है जो आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। यानी कि आपको 1 के साथ एफिशिएंसी निकाल लेनी, जो नंबर्स यहाँ दिए गए हैं वो सारे के टोटल वर्क निकाल के जो एफिशिएंसी आपकी यहाँ पे आएगी 1, और जितने टाइम आपको कहा जाएगा उतने टाइम से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वैसा ही इसकी एफिशिएंसी आएगी। और 8 है तो 8 है, इसकी कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसकी 4 आ जाएगी, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगी, इसको हम करेंगे तो इतना आएगी। तो ये आपके पास टोटल एफिशिएंसी आ गया, टोटल एफिशिएंसी कितना बराबर, 8 के बराबर आ गया। टोटल वर्क आपके पास कितना है, 8 है, यानी कि टोटल वर्क 8 है, एफिशिएंसी 8 है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 आवर, यानी कि 1 घंटा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा है, ये सारी चीज समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, आपका डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन में, ए कैन डू एनी वर्क इन 20 डे, ए है जो किसी काम को 20 दिन में करता है और बी किसी काम को 5 दिन में करता है, और कहा जाता है अगर जो एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू द एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, यानी कि जो हम एफिशिएंसी निकालते हैं टोटल वर्क से उसकी क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, उसकी एफिशिएंसी ए प्लस बी के बराबर है सी की, तो
तो आपको पूछा जा रहा है हाउ मेनी डे दे कंप्लीट टुगेदर वर्क, यानी कि ये एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में पूरे काम को खत्म कर लेंगे। तो देखिए हम क्या करते, सारे यहाँ पे जो हम हमारे डाटा रहते हैं उसकी हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, ये हमारे किसकी है ए की है और ये हमारे किसकी है बी की है। तो आप हम क्या करते हैं टोटल वर्क निकालते हैं, तो टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क जब 20 हो जाता है दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी निकालेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे एक, इसकी एफिशिएंसी कितना निकालेंगे तो इसकी एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगा कितना 4, ठीक है। तो एफिशिएंसी आपके पास एक आ गया और 4 आ गया, आपको क्या निकालना है ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में मिल करके काम कर लेंगे। तो दोस्तों इस सवाल पर आप देखिए आपकी एफिशिएंसी यहाँ पे ये ए की एफिशिएंसी है, ठीक है, और ये बी की एफिशिएंसी। आपको क्या कहा जा रहा है सवाल में, इफ एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू द एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, यानी कि सी की एफिशिएंसी किस तरह से निकालेंगे ए प्लस बी के बराबर, तो ए का एक है 4, बी का 4 है तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब टोटल एफिशिएंसी जब आप ऐड करेंगे तो इस दोनों को ऐड करेंगे इसके साथ ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5 और ये 5, दोनों मिला करके कितना हो गया 10। टोटल वर्क हमारे कितना है, टोटल वर्क 20 है और एफिशिएंसी कितना है 10 है, तो इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2, यानी कि ये टोटल काम कर लेंगे 2 दिनों में, ठीक है दोस्तों। बहुत आसान सवाल था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी फायदा उठा पाए, ठीक है। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर ले ताकि हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।